हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मास्टर ऑफ करंट अफेयर्स एंड जीके में आप सबका स्वागत है। और लोअर पीसीएस की ये जीके की जो है टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें ये 8वां पार्ट है। इसके पहले हमने 7 पार्ट को अपलोड किया, जिन्होंने नहीं देखा हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, देख सकते हैं। और पुस्तक और लेखक से संबंधित एक वीडियो हमने अपलोड किया था, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल पर आप अगर जो नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी अपडेट आपको मिलेंगी एग्ज़ाम से, और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलते रहेंगी। साइंस और हिंदी के भी हमने टेस्ट सीरीज जो है अपलोड किए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए और दो चार लोगों को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर कि चुकंदर किस प्रकार की फसल है, एक वर्षी, द्विवर्षी, बहुवर्षी या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने इस प्रश्न का विकल्प बी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, इसका जवाब जो है ऑप्शन बी है, यानी कि चुकंदर जो है द्विवर्षी फसल है। अगला प्रश्न है, FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसिट प्रोटोकॉल, फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सही जवाब है ऑप्शन डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, प्रमुख राज्यों के प्रसिद्ध लोक नृत्यों से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, छऊ झारखंड, पंथी छत्तीसगढ़, बिहू असम, कथकली उत्तर प्रदेश। तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का कथकली नहीं होता है, कथकली जो है केरल का है और कथक ही जो है उत्तर प्रदेश का, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बाकी ऊपर के तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर, 23 दिसंबर, 8 अक्टूबर या फिर 29 दिसंबर। सही जवाब है ऑप्शन बी, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिवस पर जो है किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1945, 1948, 1952 या फिर 1958। इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था, 1998, 1997, 1996, 1999। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1998 में किया गया था, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब ये दूसरी बार जो है परमाणु का परीक्षण किया गया था हमारे देश में। अगला प्रश्न है, विभिन्न कंपनियों के मुख्यालय के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित है, वॉलमार्ट अमेरिका का है, नोकिया दक्षिण कोरिया का है, लेनोवो जापान का है, सैमसंग फिनलैंड का है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है, तो आप सबको पहली बार तो पता है कि सैमसंग जो है दक्षिण कोरिया का है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो चुका है। और नोकिया जो है ये फिनलैंड का है, ये भी गलत हो चुका है। लेनोवो जो है ये चाइना का है, और उसके बाद वॉलमार्ट जो है अमेरिका का, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, कॉमेट। सही जवाब ऑप्शन बी, कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड में। अगर आपने चुना ऑप्शन है तो बिल्कुल सही चुना है, ओडिशा में ही सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य है। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है, और ये चाय के लिए फेमस है,
तो आप जो है ऑप्शन गेस कर सकते हैं, नहीं पता है तब भी। देखिए सिक्किम में चाय होता नहीं है, मणिपुर में भी नहीं होता, बड़े पैमाने पे बात कर रहे हैं, असम में, पश्चिम बंगाल में होता है। तो उसे आप दो ऑप्शन तो पहले ही काट चुके हैं। उसके बाद जो है ये दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? लेब्राडोर, कनारी, ओयशियो, अलास्का की धारा। ऑप्शन डी जो है अलास्का की धारा, ये गर्म जलधारा, बाकी लेब्राडोर, कनारी, ओयशियो ये ठंडी जलधारा। अगला प्रश्न है, इरावती किस देश की मुख्य नदी है? म्यांमार, चीन, मलेशिया, वियतनाम। और आपको इस प्रश्न को याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इरावती किस देश की मुख्य नदी है? तो ये है म्यांमार की। आप रेस्तरां में कॉफ़ी पीते हुए अपने मित्र के साथ गपशप कर रहे हैं, अचानक आपने बहुत आपके जो है बहुत ही पास विस्फोट की प्रचंड आवाज़ सुनी, यानी आपने बहुत ही पास जो है विस्फोट की प्रचंड आवाज़ सुनी, आप क्या करेंगे उस समय? ऑप्शन चार दिए गए हैं, इसमें से पहला ऑप्शन है उछल पड़ेंगे और मित्र को कसकर पकड़ लेंगे, दूसरा ऑप्शन है आवाज़ों की तरफ से ध्यान हटाकर सब कुछ बहुत अच्छा हो इसके लिए दुआ करेंगे, और तीसरा ऑप्शन है आवाज़ कहाँ से आई इसका पता लगाना शुरू करेंगे, ऑप्शन डी मदद के लिए चिल्लाना शुरू करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, आवाज़ कहाँ से आई इसका पता लगाना शुरू करेंगे। और इसी तरह से अगला भी प्रश्न है, छोटा कर दें, चारों ऑप्शन आपको दिखेगा। आप उपनिरीक्षक की लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद साक्षात्कार हेतु चुने गए हैं। आपको सुनने में आता है कि साक्षात्कार में पैसा दिए बिना सफलता नहीं मिलती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? चार विकल्प दिए गए हैं, पूर्ववत अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ तैयारी करेंगे और निश्चिंतता के साथ साक्षात्कार देंगे, अपने संपर्कों से पता लगाएंगे और अभीष्ट व्यक्ति तक अपेक्षित धन पहुंचाएंगे, अवसाद में आकर अपनी तैयारी रोक देंगे और साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होंगे, और लास्ट ऑप्शन है धन की व्यवस्था करने के साथ साथ अपनी तैयारी भी जारी रखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्ववत अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ तैयारी करेंगे और निश्चिंतता के साथ साक्षात्कार देंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बेब वंडर वुमेन अभियान लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, पुस्तक अहिंसा के लेखक कौन हैं? सत्या नडेला, सुप्रिया किलकर, यस के नंदा, प्रणब मुखर्जी। सही जवाब है ऑप्शन बी, सुप्रिया केलकर। 19वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी आईफा 2018 पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? मॉम, हिंदी मीडियम, तुम्हारी सुलु, बादशाह हो। अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही चुना है, तुम्हारी सुलु। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2018 की विजेता कौन है? प्रियंका कुमारी, मीनाक्षी चौधरी, अनुकृति वास, श्रेया वाव, श्रेया राव, काम वरायू। दो हज़ार अट्ठारह का पूछ रहा, अनुकृति वास इसका ऑप्शन जो है सी सही है। और अगला प्रश्न है, 12 सितंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मंजूरी दी, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं विकल्प की, पहला पॉइंट है कि इसकी घोषणा वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में की गई थी, इस योजना के तहत किसानों को MSP संबंधी आश्वासन दिया जाएगा, और तीसरा पॉइंट है इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है। ठीक है, तीन पॉइंट दिए गए हैं और उसके हिसाब से विकल्प आपके लिए बनाए गए हैं, और ऑप्शन ए में पहला तीसरा पॉइंट है, ऑप्शन बी में पहला दूसरा पॉइंट है, और ऑप्शन सी में केवल तीसरा पॉइंट है, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि पहला और तीसरा पॉइंट ही केवल सही है। आप देख लीजिए एक बार। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2018 में जो है पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? नोवाक जोकोविच, केविन एंडरसन, राफेल नडाल, रोजर फेडरर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया एक देश है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के लिए एमडी के चयन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक साथ सदस्यीय पैनल का गठन किया है? जीएन वाजपेयी, बीपी शर्मा, मैथ्यू वर्गीस, टी भार्गव। अगर आपने इस प्रश्न का जवाब 20 चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। अगस्त 2018 में पैसिफिक एंडेवर 2018 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। अगर आपने इसका विकल्प चुना ए तो बिल्कुल गलत है, सी भी चुना तो भी गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेपाल। अगला प्रश्न है, 166वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रांची, पटना, जालंधर, लखनऊ। यानी कि ये हो चुका है, यहाँ पर गलत टाइप है जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जालंधर। जालंधर में एक यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जो है इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? राकेश अस्थाना, राकेश मोहन, रघुराम जी राजन, उर्जित पटेल। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, रघुराम जी राजन। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे, अगस्त 2018 में एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP समिट का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। सही जवाब ऑप्शन सी है, लखनऊ में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और जो है दो चार ग्रुप में शेयर करेंगे तो मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलेगा, और लाइक भी करेंगे आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी।